नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो हांसी से नेता गए सचिन जैन जी, बार बार मुद्दे उठाते रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेके मतलब ये आगे आते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कहेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या हालिया सूरत है आज हांसी की। सर क्या कहेंगे हांसी की, जो इस कदर से गरीबों तक खाना अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, बिहार विधायक जी दावा करके बैठे हैं कि सबको पहुंचा रहा हूं मैं खाना। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और उसके बाद अनुराग जी आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दे उठाने की बात है, हमने विपक्ष होने के नाते बहुत मुद्दे उठाए, आपने मीडिया चौथे स्तंभ होने के नाते बहुत मुद्दे उठाए, उसके बाद हमने जैसे पीछे मीडिया रिलीजेस में कहा, आप लोगों को भी बताया कि सरकार कह रही है कि जी हमने 68 लाख लोगों को खाना बांट दिया, 55 लाख लोगों को खाना बांट दिया, उसके बाद अलग अलग से आंकड़े जारी हो रहे हैं, तो हमने पहले भी सरकार से भी पूछा था जी, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किए, सारी बातें की कि जी वो बताएं तो सही कि कितना पैसा बांटा गया है या कितने लोगों को खाना बांटा गया या हांसी के परिदृश्य में कितने लोगों को खाना बांटा गया। उसके बाद सरकार ने अभी कहा कि पीछे जैसे आप लोग रूटीन में सुन रहे हैं कि जी फलानी जगह इतना फंड आया है, डिंका इतना जगह फंड आया है, तो फंड कहाँ गए वो, चलिए हमने कुछ लोगों ने हमें बाद में कहा कि सरकार के लोग मिले जी कि उससे कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई, कल मैंने देखा कि टिप्पर के कर्मचारियों ने जब कहा कि वो 3 महीने से अपनी तनख्वाह नहीं पा रहे, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि सरकार वो पैसा कहाँ और किस पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री तो ने तो हरियाणा को आपके सामने मतलब जो बयान दिया वो दिवालिया घोषित कर दिया, ऐसे में बच्चों से 5 रुपए मांगे जा रहे हैं, या फिर राहत कोष में COVID-19 के रूप में किसी न किसी रूप में कह रहे हैं कि आप दीजिए दीजिए, कहां तक ये सही है, जब सरकार के पास पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे, आपके पास यदि नहीं है तो आप कर्मचारियों का वेतन टाइम पे दीजिए, कुछ ऐसे अपने ही कर्मचारियों का सरकार वेतन काट रही है, ऐसे में क्या कहेंगे। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हरियाणा सरकार को सरकार की तरफ से भी 2 बार पैसा जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद जो हमने खबरों के हवाले से सुना कि 6200 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी कर्जा भी ले रहे हैं, उसके बाद बच्चों से 5 रुपए की डोनेशन मांगना हो, किसानों से 1 किलो से लेकर के 5 किलो तक का दान मांगना हो, या संस्थाओं से काम करवाना हो, तो सरकार खुद बताएगी कि वो पैसा जो कर्जा मिल रहा है सरकार से मिल रहा है वो काम का है। उसके बाबत हम अगर हमारी बात करें, हमारी दिल्ली सरकार को आज तक 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने मदद नहीं की है, उसके बावजूद 1 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, जिसमें की 71 लाख लोग जो है रजिस्टर्ड है, 20 लाख जो लोग जो है जिनके पास कोई आधार कार्ड है उसके बाबत दिया, उसके बाद भी अगर कोई बचा है तो 10 लाख लोग जो है ई कूपन के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है। उसके बाद आपने देखा है क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो है एयरपोर्ट बड़े होने के कारण क्वारंटाइन की समस्याएं वहां थी, तो दिल्ली सरकार ने सब चीजों को मैनेज किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भेदभाव की स्थिति, तो आप ये देखिए कि दूसरी टर्म में मैंने परसों जो केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया है, जहां की बिहार में लगभग 300 से भी कम केस है, वहां 4600 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और दिल्ली के अंदर 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार है वो अपने मतलब दोहरी राजनीति कर रही है, वो सारी चीजें कागजों पर। अनुराग जी हम नहीं कह रहे, वो कागजों के अंदर कह रहे हैं, हमारी सरकार ने पहली बार मांगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से और आखिरी दिन तक, चाहे वो भी लॉकडाउन में ढील देने की बात हो या कोई भी बात हो, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी पार्टी ने, अभी हमारे राज्यसभा सांसद जी ने 6 दिन पहले कहा कि सरकार जब किसानों की समस्याओं से पार नहीं पा रही, उनके पास कर्मचारियों की कमी है या कोई भी कमी है, तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहे, पदाधिकारियों को कहे, हम उनके सहयोग के तैयार है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि सरकार तो आड़ती और कर्मचारियों में फूट डालने का काम कर रही है, और यहाँ तक कि सरपंच भी इस चीज को समझ रहे, लेकिन उनके ऊपर सरकारी दबाव है। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जो किसानों की फसल है, बारिश का जैसे अभी पता आपको सीजन आ ही रहा है, ऐसे में मतलब एक लंबा टाइम चल जाएगा, जिस तरीके से किसानों की आड़ती खरीद रहे हैं, यहाँ पे सरकार जो गेहूं ले रही है ई पोर्टल के माध्यम से, काफी लोग ऐसे हैं जो ई पोर्टल चलाना नहीं जानते काफी, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ऐसे में सरकार मतलब क्या चाहती है, क्या किसानों की जो फसल है वो खराब हो जाए। सरकार कुछ नहीं चाहती जी, सरकार खुद एक कंफ्यूजन में चल रही है, उसके बाद सरकार जो है अपने उप मुख्यमंत्री है वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसानों का हितेशी बताते थे, लेकिन आज उन्हीं की फिर उंगलियां उठ रही है। उप मुख्यमंत्री जी का तो आपने पीछे असर देखा है जी, किसाना की मंडी के अंदर दुष्यंत चौटाला जी को दुष्ट चौटाला कहा गया, हालांकि उन्होंने जब वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे उनकी सारे जगह वाह वाही रही, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस सरकार में मिलने के बाद उनकी शक्तियों को क्या घुन लग गया है, क्या समस्याएं हुई कि वो अब किसानों की आवाज को नहीं उठा पा रहे, व्यापारियों की सरकार कहराने वाली खट्टर साहब कोई व्यापारियों के लिए काम नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं बीजेपी ने सिकंजा कस लिया है।
आप देख सकते हैं उसमें आप बताइए मध्यम वर्ग आप पिसा हुआ है, उसके बाद किसान पिसा हुआ है, गरीबों के लिए आप खाना देख लिया, अगर ये संस्थाएं ना होती तो गरीब कहां होते हैं, प्रवासी मजदूरों पे कर, अभी आपका मैंने कुछ समय पहले वीडियो देखा था तो विधायक साहब फोन नहीं उठा रहे, विधायक साहब अपनी बातें तो रखें, विधायक साहब सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए करना है तो जी फिर तो वो सारी पार्टियां कर ही रही है। सर ये क्या मतलब, जो मंडी के किसान हैं, जो लोग हैं, सब्जियां रेगुलर आपको पता है मतलब हर दिन सब्जियां लाई जाती है, लेकिन एक दिन अगर सब्जी ना करें तो वो सब्जी खराब हो जाती है, ऐसे में आज दुकान खोली है, 10 दुकानें आज खोली है, ऐसे में सरकार क्यों ना पूरी दुकानें खोल दे, क्योंकि औने पौने भाव पे किसानों को अपनी सब्जियां हाथी में बेचनी पड़ रही है, काफी शिकायतें किसानों की, क्या कहेंगे मतलब सरकार से, क्या सबसे पहले तो हम सरकार से और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी एक निवेदन करना चाहिए, हालांकि हमारा पुलिस प्रशासन SDM साहब हम देख रहे हैं कि वो सरकारी आदेशों के बावजूद बड़ी तत्परता से शहर के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस हमारी चौक चौबार है, आपने पीछे दिखाया कि शराब की खेप भी पकड़ी, लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आज तक हमारे यहाँ पर दुकानदारों को ये नहीं पता है कि किस दुकानदार की दुकान खुलेगी, किस दुकानदार की दुकान किस समय खुलेगी, ये चीजें क्लियर करें तभी ताकि समस्याएं हो। फल वाले को फल की दुकान पर जाना है, सामान खरीदना है, उसे बेचना है, उनको ही पास। अब मैंने दुनिया भर के हमारे व्यापारी भाइयों से बात हुई, सरल पोर्टल पर वो लोग अपना डाटा अपलोड कर रहे हैं, उसको 6-6 दिन तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, तो अब कैसे कोई व्यापारी काम करेगा? रिजेक्ट हो रहे हैं मतलब रिजेक्ट 6-6 दिन तो वो अप्रूवल की स्थिति में नहीं है, और अप्रोच लगने के बाद तुरंत हो रहे हैं, अप्रोच के बाद क्यों हो रहे हैं? वो सबसे बड़ा प्रश्न तो अनुराग जी ये है कि जब उस पोर्टल पर 6 दिन में कोई डाटा अप्रूव नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ भी कल परसों भी लोगों ने खूब अप्रूव किया है, उसके अंदर बकायदा ट्रैक्टर्स पार्ट्स ट्रक पार्ट्स ये भी 4 दिन पहले सरकार कह रही है कि ग्रीन कार्ड वालों को, जैसे अखबारों के माध्यम से छपता है, ग्रीन कार्ड वालों को, APL कार्ड को डिपो पर अब राशन मिलेगा, ऐसे में घासी प्रशासन इसका तो ये तो कहना है कि हमारे पास ऐसे ऑर्डर नहीं आए, क्या सरकार इसमें मतलब गरीबों के साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? राव जी मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या ग्रीन कार्ड करेगा, क्या पीला कार्ड पड़ेगा, मेरे पास खाना नहीं है, मैं कहीं तो रो रहा होगा, पड़ोस में पता होगा, सरकार को पता होगा, जब सरकार को अपने लोगों का ही नहीं पता तो वो किसको खाना खिलाएगी? यहाँ की सरकार का मैं आपको बताता हूँ, आपके पास भी कागज आया हुआ होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने एक फॉर्म निकाला है जिसको FSO साइन करके देगा, अब एक बंदा पहले लट खाता हुआ FSO के पास जाके साइन करवाएगा, दिल्ली सरकार कर रही है कूपन लॉन्च कर दीजिए, आपको अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं है क्या? लेकिन सेवाएं खत्म होती है, पीछे मैंने देखा एक संस्था के ऊपर उन्होंने 21 दिन तक खाना खिलाया, उसके बाद कुछ लोगों ने प्रश्न उठा दिए कि उन्होंने अपने पुराने केसों को दबाने के लिए ये चीजें अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले तो आपकी प्रणाली पर लोगों ने एक विषय बना दिया कि आपका, पीछे मैं उस विषय पर बात करना चाहूं जो संस्थाओं को ऊपर भेजने के बाबत था, आप एक चीज बताइए, मां मान सम्मान का तो इशू ही नहीं था, जहां आपकी 4 संस्थाएं जा सकती है वहां 10 भी जा सकती है 20 भी जा सकती है, और मैंने जो एक वीडियो में सुना भी था कि वहां कोई भाषण ही सुनना था, भाषण सुनने में अच्छा था कि आपके 20 लोग जा रहे हैं, तो ये एक समझ से परे है कि जब उस विषय में प्रक्रिया पर सवाल उठने थे कि चयन प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि 4 संस्थाएं किस मध्य, और ऐसा नहीं है अनुराग भाई कि ये चीजें यहाँ हो रही है। हमारे जो उनके अध्यक्ष हैं लक्ष्य गर्ग जी, तो पीछे मेरी बात हुई फतेहबाद में भी सेम पैटर्न अपनाया गया है, शायद हो सकता है जैसे अभी मैं सुनने में पा रहा हूँ, मेरे पास कोई कागज तो नहीं है कि 1.5 करोड़ रुपया आया था 3 करोड़ रुपया आया था, वो पैसा तो इन संस्थाओं को दिया जाना और यही संस्थाओं के माध्यम से बांटा जाना ताकि ये वाह वाही हट सके, क्योंकि एक तो संस्थाएं तो ऐसे भी जो सरकार के साथ पहले काम करती रही थी, बाकी तो आप लोग इन चीजों को ज्यादा कुरेद सकेंगे। नहीं, अब बार बार मुद्दा उठता रहता है कि एक तरफ जो विपक्ष है BJP का है वो हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, लॉकडाउन में जहां कोरोना के बारे में कोरोना से लड़ना चाहिए था, ऐसे में हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये मुद्दा उठता है, और दिल्ली सरकार जो है उन्होंने प्लाज्मा जो थेरेपी का उससे कहीं ना कहीं इनको बता दिया है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, आप कोरोना के टाइम पे आप भाई गए जिसको जिसकी जरूरत पड़े, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में सर? इस मामले पे तो साहब अनुराग जी वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा बोलने का विषय नहीं है, हमारी सरकार निरंतर लगातार काम कर रही है, जीतने के बाद से हमारी सरकार के ऊपर अलग अलग माध्यमों से प्रयास किए गए कि उनको डिफेम किया जाए, वैसे तो 6 साल से हमारी पार्टी बनी है, आपने देखा है कि कभी हमारे विधायकों पर केस कर दिए, कभी हिंदू मुसलमान,
हिंदू मुसलमान क्या है साहब, अब कोरोना हो रहा है तो अनुराग जी मैं क्या हूँ? कोरोना किसी को नहीं देखता, आप हिंदू मुसलमान। मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मुझे नहीं देख रहा आपको न किसी देख रहा। अब जो प्लाज्मा थेरेपी हमारी सरकार ने यूज की है उसमें मुसलमान ने हिंदू को प्लाज्मा दिया और हिंदू ने मुसलमान को प्लाज्मा दिया, तो उन प्लाज्मा को नहीं पता कि किसकी बॉडी में मैं जा रहा हूँ। तो इन चीजों का कोई विषय नहीं है, जिसको जैसे अपनी राजनीति करनी है। हमने पिछले 6 साल में यह सीखा कि जी काम की राजनीति पर बात होगी, स्कूलों पर बात होगी, शिक्षा पर बात होगी। आज आप देखिए ना इस समय में किस पार्टी का ध्येय काम आया कि आज सारी सरकारें कह रही है, अभी पीछे मैंने कुलदीप बिश्नोई जी का बयान सुना कि हमें स्कूलों पर बात करनी होगी। भाई तो इतने साल से कर लेते, आप लोग स्कूलों पे बात कीजिए, स्कूलों को बढ़ाने पे बात कीजिए, अस्पतालों पे बात कीजिए। आज अस्पताल होते तो मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर मुझे कोरोना हो जाता है तो सिविल अस्पताल में इतनी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सरकार और हमारे विधायक जी जो लोगों पर ड्रोन के माध्यम से थोड़ा सा ड्रोन के माध्यम से शिकंजे की बात कर रहे हैं, वो अपने पहले तंत्र को सुधारे। लोगों के ऊपर लोग बड़े स्तर के, लोगों को भी अपनी जान की परवाह है। हांसी के सरकारी हॉस्पिटल की बात करें सिविल की, तो यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की कोरोना से लड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मरीज आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। क्या मतलब कहाँ तक क्या मांग रखना चाहेंगे आप सरकार से? ये चीजें सर खट्टर साहब को सोचनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पिछले मैं 6 दिन से देख रहा हूँ कि हमारे खट्टर साहब एक SDM या लोकल प्रशासन की तरह सिर्फ एक ट्वीट पर बता रहे हैं कि हमने फलाना बंदे का राशन दिलवा दिया। खट्टर साहब आपका काम है सारी चीजों को मॉनिटर करना, AC में बैठ के कहीं ना कहीं बातें वही चीजें हो रही है। हमारे बीच साहब का मैंने कल लॉकडाउन के बाद पहली बार बयान सुना और वो कह रहे कि इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। और इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार नहीं है, देश में अगर कोरोना फैला है तो उसके लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, वीजा देने वाली एजेंसियां जिम्मेदार है, कि जो एयरपोर्ट से लोग यहाँ पर आ गए वो जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार कैसे जिम्मेदार? ये तो सारा एक साझी महामारी है जिसको हम सब ने मिल करके खत्म करना है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार की कमियां तो हमारी सरकार तो खुद कहती है कि मीडिया के भाइयों से हालांकि कि आप लोग हमें हमारी कमियां बताएं, पर ये हम हरियाणा सरकार का देख रहे हैं आप लोग दुनिया भर की समस्या उजागर कर रहे हैं वो नहीं बताना चाह रहे। तो ये थे सचिन जी जिन्होंने भाजपा सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे नाना पाटेकर की बात याद आती है, क्रांतिवीर से ये तेरा खून ये मेरा खून दोनों को मिला दो। अब बताइए मतलब सरकार की ये किसका खून है? तो प्लाज्मा जो थेरेपी का बीजेपी को उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया गया कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इस देश में रहने वाले हम सब हिंदुस्तान की संतान है। ANT नेशनल से अनुराग सिंह।